नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम लेटेस्ट थ्योरी का एक और डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पोसिट डायग्राम। हम पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि किसी भी पोसिट को हम डायग्राम के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है कवर का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज के वीडियो को समझने के लिए जरूरी ये है कि इससे पिछले मैंने जितने भी वीडियोस करा रखे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि अगर आपको पिछले वीडियोस क्लियर नहीं होंगे तो आज के वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास में पोसिट डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं। सपोज हमारे पास में पी लेस देन इक्वल टू एक पोसिट है। अगर हमारे पास में बी ए को कवर कर रहा है, इफ बी कवर्स ए, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स से, ए और बी, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे एक राइजिंग लाइन से, एक ऊपर उठती हुई लाइन से। कोई भी दो एलिमेंट्स जहां पर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को कवर करता है, तो जो एलिमेंट कवर कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो एलिमेंट को कवर किया जा रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे, और एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स से। मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताती हूं और उसके बाद में एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर करने की कोशिश करती हूं। लेट पी लेस देन इक्वल टू बी अ पोसिट एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू पी। इफ B covers A, then A is connected to B by a rising line, and elements are represented by डॉट्स। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद यूजुअल लेस देन इक्वल टू। इसमें हमें ये देखना है कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, इस पोसिट का पोसिट डायग्राम किस तरह से बनेगा। देखिए, वन जो है वो टू से छोटा है तो ये कनेक्ट हो गया, क्योंकि टू जो है वो वन को कवर कर रहा है। टू जो है वो थ्री से छोटा है और थ्री जो है वो टू को कवर कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा है। थ्री जो है वो फोर से छोटा होगा, फोर जो है वो फाइव से छोटा होगा। इस तरह से हमारे पास में इसका पोसिट डायग्राम बनेगा। सेकंड है हमारे पास में पी इज इक्वल टू नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स ऑफ 12, नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमारे पास में पी के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, टू थ्री फोर एंड सिक्स। यहां पर हमारे पास में रिलेशन हमने इस तरह से लिया है, ए जो है वो बी से कब रिलेटेड होगा, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। यहां पर देखिए, टू जो है उसको फोर कवर कर रहा है, थ्री जो है उसको सिक्स कवर कर रहा है, टू जो है उसको सिक्स भी कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास में यहां पर डायग्राम बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थ्री लेते हैं हम। पी इज ऑल इवन नंबर्स अप टू 12। हमारे पास 12 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब का कलेक्शन हमारे पास में है पी, टू फोर सिक्स एट टेन 12। ए लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। अब यहां पर देखिए, हमारे पास में रिलेशन किस तरह से है, डिविजिबिलिटी वाला रिलेशन है हमारे पास में। यहां पर
टू जो है उसको फोर कवर कर रहा है, तो हम डॉटेड लाइन से इसको, सॉरी राइजिंग लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। एट जो है वो फोर को कवर कर रहा है, क्योंकि एट फोर डिवाइड्स एट। टू जो है उसको टेन भी कवर कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई सी नहीं आ रहा है। टू जो है उसको सिक्स भी कवर कर रहा है। ट्वेल्व जो है वो सिक्स को कवर कर रहा है, और ट्वेल्व जो है वो फोर को भी कवर कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाला डायग्राम बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर फोर है हमारे पास में, एक्स इज इक्वल टू वन टू पावर सेट ऑफ एक्स विच कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास में आएगा फाइव, सिंगलटन सेट वन, सिंगलटन सेट टू और एक्स, और रिलेशन है हमारे पास में यूजुअल कंटेनमेंट। अब यहां पर देखिए फाइव को क्या क्या कवर कर रहा है, सिंगलटन सेट वन, सिंगलटन सेट टू, ये दोनों फाइव को कवर कर रहे हैं, और एक्स जो है वो इन दोनों को कवर कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको एज अ असाइनमेंट दिया था कि कौन एलिमेंट किसको कवर कर रहा है, यहां पर एक्स हमारे पास में है अ सेट कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स, तो पावर सेट ऑफ एक्स हमारे पास में यहां पर आ जाएगा फाइव, सिंगलटन सेट वन, सिंगलटन सेट टू, सिंगलटन सेट थ्री, सिंगलटन सेट वन टू, सिंगलटन सेट टू थ्री, सिंगलटन, सॉरी सिंगलटन नहीं है ये, सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स वन एंड टू, सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स टू एंड थ्री, सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स वन एंड थ्री एंड एक्स। अब यहां पर हमारे पास में कौन सा एलिमेंट किसको कवर कर रहा है वो आपको एज अ असाइनमेंट इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको दे रखा है। अब देखिए यहां पर फाइव जो है उसको कौन कौन से एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, सिंगलटन सेट वन, सिंगलटन सेट टू, सिंगलटन सेट थ्री। अब वन और टू को कौन सा सेट कवर कर रहा है, सिंगलटन, सॉरी अ सेट कंटेनिंग वन एंड टू, अ सेट कंटेनिंग वन एंड थ्री, ये दो सेट जो है वो इसको कंटेन कर कवर कर रहे हैं। अब वन और थ्री जो है वो सिंगलटन सेट थ्री को भी कवर कर रहा है, वन और टू जो है वो सिंगलटन सेट टू को भी कवर कर रहा है, और अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स टू एंड थ्री ये इसको भी कवर कर रहा है। सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स टू एंड थ्री वो टू और थ्री को कवर कर रहा है। अब हमारे पास में ये x है जो कि इसको भी कवर कर रहा है, इसको भी कवर कर रहा है और इसको भी कवर कर रहा है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा पोसेट डायग्राम फॉर पावर सेट ऑफ x कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स। आप पोसेट डायग्राम फॉर अ सेट कंटेनिंग फोर एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स, ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम एग्जाम में हमारे पास में x कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स इसमें ही पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि इसको मैं आपको फोर एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स, इन सब के बारे में भी बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर देखिए कंपैरिजन हो रही हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है, अगर ए बी से छोटा है, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहां पर जो नई चीज आती है वो आती है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट की। तो ये सब जो चीजें हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये चारों डेफिनेशंस को एक साथ में डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट पोसेट का किसे कहते हैं, पोसेट का लीस्ट एलिमेंट किसे कहते हैं, क्या ये एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, और मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीमम, इन्फिमम, जो चीजें हमने रियल एनालिसिस
या एनालिसिस के अंदर जो हमने डिस्कस करी थी, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।